आज ही फीलिंग हमने भी ले ली है ये करवाने की। किद्दा जी, की हाल चाल जी सारे ने? तो भाई आज जा रहे हैं जी म्यूजियम। यहाँ पे एक म्यूजियम है, हमें पता नहीं था। आज थोड़ा सर्च कर रहे थे, गूगल पे हमें मिला है, तो अभी मैंने पहले उनसे कंफर्म कर लिया कि भाई मैं आऊँगा। वीडियो शूट करने दोगे कि नहीं करने दोगे? अगर करने दोगे तो क्या हिसाब किताब है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहले कंफर्म कर लिया है कॉल करके उनसे, और कितना उसका प्राइस है वो भी सब कंफर्म कर लिया है, क्योंकि ये चीज़ें पहले कंफर्म हो ज़्यादा बेटर है, बाद में दिक्कत ना आए। और ये एक बैग हमने मंगवाया था, पहले वाले बैग की जिप खराब हो गई है सब, तो ये ऑरेंज फेवरेट कलर है तो इसलिए मंगवाया है। ये तो चलते हैं, दिखाते हैं फिर आपको। तो ये जब से वो मतलब वहाँ पे बात हुई है ना, वो सेटलमेंट सिटी वाली, तो तब से मैं कंफर्म कर लेता हूँ पहले हर बंदे से पूछ के कि वहाँ पे अलाउ है कि नहीं है, बाद में ऐसा ना हो कि पैसे भी फूक लिए जाएं और आपको भी कुछ ना दिखा पाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो चलो देख ही लूँगा, आप भी देख लोगे, उसके साथ साथ में आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। चलो मैं तो घूमने जा ही रहा हूँ। जब से वो मेरे साथ हुआ था, एक दिन मैं हुडी लेने गया था तो मैं अपना कार्ड भूल गया था, तो जो का मैंने अपने एप्पल पे में ऐड कर रखा है उसमें मेरे पैसे नहीं थे। तो अब मैंने जो इसमें ऐड कर रखा है वो तो है, जिसमें पैसे होते जो दूसरा वाला होता वो मैंने अपने फ़ोन के कवर के पीछे डाल लिया है। अब कोई चक्कर नहीं है, कुछ भी हो जाए सेफ्टी है। तो जी पहुंच गए पोर्ट मुकारी म्यूजियम, तो इसका भी एंट्रेंस देखते हैं किधर से, तो फिर घुसते हैं। जी एंटर हो गए, तो इनसे पहले कंफर्म कर लिया था कि शूट कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैंने यहाँ आके फिर भी कंफर्म किया, तो उन्होंने बोला आप कर सकते हैं कोई चक्कर नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर जाके बार अपने बॉस से कंफर्म किया तो अपना काम 25 है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब अंदर आ गए, अब आपको एक एक चीज़ दिखाई जाएगी। और फिर मैंने अपना वो हथियार चला दिया कि हम स्टूडेंट हैं, कुछ डिस्काउंट है, तो बोले हाँ आपको साथ की जगह $5 देने पड़ेंगे, आ जाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं। And that doorway wasn't there, mm-hmm. and they've at the museum they've added another 12 rooms. Oh, and there's some more just doing what you're doing. So, ये जो पेड़ है, ये इन्होंने संभाल के रखा है, ये वाला पेड़ है। तो अभी ज़्यादा तेज बोल नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते हैं। तो पेड़ के बारे में पढ़ लो। ये कुल्हाड़ी है लकड़ी की शायद, कुछ है। तो ये कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, तो इनके बारे में भी लिखा गया है, ओरिजिनल टूल्स फॉर डेली लिविंग, जो इनके पहले जो मेन इनके नेटिव हैं जो एबोरिजिनल्स, तो वो ये चीज़ें यूज़ करते थे। तो ये एबोरिजिनल्स हैं, यानी तो ये 19th सेंचुरी का टूल यानी नेविगेटर, जिसको GPS आप बोल सकते हो, तो इससे देखते थे लोग कि किधर को जाना है, कहाँ से जाना है। ब्रिटिश आर्मी का बंदा, गन भी है और साथ में ऊपर इसके वो तेज धार वाला कुछ लगा हुआ है। तो ये जी पुराने ज़माने की हथकड़ी है, अब भी चलती तो ऐसी हैं।
और ये ईंटें वगैरह कुछ संभाल के इन्होंने रखी हैं, और रस्सियाँ हैं, हुक है, और ये आरा है मतलब जिससे काटते फाड़ते होंगे। इसकी आंखें बहुत डरावनी डरावनी सी लग रही हैं। इसको बहुत मारा मुरा गया है तो इसका खून वगैरह निकाला गया। तो ये कोई रानी है, रानी है, औरत है, क्या है, तो शायद ये कपड़े कपड़े धोती है लोगों के। तो ये मतलब धोबन है, तो ये कपड़े ही प्रेस करती है। मैं ऐसी रानी वाली फीलिंग ले गया इस पर। तो ये कपड़े कपड़े ही धोती है जी। और पुराने ज़माने में ऐसे सजा दी जाती थी यहाँ पे। ये इधर बाकी बंदी खड़े हैं, बंदी हैं, बंदी नहीं है। तो इसको पीछे से ये मारा जा रहा है। ये होती थी जिसे मारते थे, और ये है हथकड़ी, और ये ईंटें। ईंटों का क्या रोल है मेरे को इसमें नहीं समझ आ रहा। तो ऐसे बांध के फिर चलाया जाता था जी इन पे, वो जो भी है चप्पू या कुछ भी है, मेरे को उसका नाम नहीं पता। तो ये बंदे वो काफ़ी सजा दी गई है, कुछ ना कुछ कांड किए होंगे भाव ने। बाकी इधर लिखा हुआ है क्या सीन है। ये जी पुराने ज़माने का पोर्ट मुक्वारी, ठीक है, ये नक्शा है। पहले पोर्ट मुक्वारी ऐसा था। तो अपन लोग इधर हैं, तो अभी देख लो भाई कितना मतलब वो हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। 1830 में ऐसा था, इन्होंने पुरानी पुरानी चीज़ें संभाल के रखी है। कोई पत्थर है, इसको भी संभाल के रखा है। ये चर्च की बेल है। ये बुक्स रखी हुई हैं, ये बाइबल 1840 में थी इनके पास। जलवे तो इधर है जी, बंदूक के बंदाके सब इधर। लो जी इतनी इतनी लंबी बंदूकें थी इनकी। जो भी बंदूक है जी उसका नाम भी साथ में है, कौन कौन सी थी, कौन कौन सी थी। पिस्टल भी है, इनकी तलवारें भी हैं इधर, और ये सब कुछ है जो भी है हमें नहीं पता। तो ये गोलियां, और ये क्या है ये नहीं पता है, ये फ्रेंच का है मतलब फ्रांसी है, ये है सब कुछ इनके पास फ्रांस का ही। कुछ बंदूकें इधर हैं जी, छोटे छोटे पिस्टल भी हैं, बंदूकें बड़ी बड़ी। तो ये जी वांटेड नोट है किसी के लिए, डेड और अलाइव, भाई पकड़ो इस बंदे को जो भी है। ये लकड़ी है सीधी सीधी कोई, इसको संभाल के रखा गया है। ये 1910 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस की ये यूनिफॉर्म थी। इसमें यूनिफॉर्म कम मैं ज़्यादा दिख रहा हूँ। तो ये कुंडा है उखाड़ के रखा हुआ इन्होंने किसी दरवाजे का। तो ये जी पानी गर्म करने वाला सिस्टम इनका। तो पहले इसमें पानी गर्म किया जाता था जी। तो ये है जी कैदी साहब, ये कैदी साहब का बेड है।
ये है कैदी साहब, इनको खाना भी दिया जाता है लेकिन खाली है जी। ये कैदियों के बेड होते थे 1904 में। तो ये है जी मेडल कुछ जो पहले होते थे इनके, ये पढ़ लो जी कौन कौन से मेडल है, किन किसको मिले थे। तो ये जी वोटिंग चल रही थी 1968 में, ये कुछ फोटो फोटो खींची है इनकी। तो ये है रानी या महारानी कोई भी, ये वाली महारानी है, ये वाली है, ये लो जी अपने वाला काम है। देखो ये देखो स्केटबोर्ड, तो शुरू में ऐसे चलते थे, बोले ये नॉर्मल एक जूती वाला स्केटबोर्ड है, तो रोलर स्केट है ये, पढ़ लो इसके बारे में, ये कब इन्वेंट हुआ था, क्या है क्या नहीं है। बाकी नीचे ये जा रहे हैं कुछ, तो ये पुराने ज़माने का कोई सिलेंडर सुलेंडर है, हवा हुआ वाला होगा या गैस वाला होगा, कोई भी है। पहले जी ऐसे स्ट्रीट लाइटिंग होती थी इस तरीके से, ये गैस लैंप है, तो भाई ये है गैस और ये कोई लैंप लूम्प का काम करती होगी, ऊपर लगी होगी कुछ ना कुछ। इधर जी कुआं भी और ये चर चर कर रहा है ये कहीं। ओहो इन्होंने सिक्के सुक्के डाल रखे हैं इधर, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं सिक्के डाल के पैसे डाल के। तो इधर कंट्रीज की करेंसी पड़ी हुई है, इधर खाली ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, एक दो कंट्रीज की और की भी है, और मेरे को इनकी सबकी हिस्ट्री नहीं पता, तो खाली भाई मैं दिखा ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो लगी हुई थी किसी और के साथ, इनके पास इतना स्टाफ है नहीं, दो तीन बंदे हैं। तो आप चीज़ें देख लो, ये पुराने ज़माने के स्विच हैं, ये वाला पहले से चलता आ रहा है इनका, ये नाइट लैम्प, ये ऐसी लैंपें थी पहले, ऐसे बल्ब थे इनके पास, ये कुछ ही दिखाए इधर। तो ये टोपी है, तो जी ये है कुआं, इसमें से बाल्टी बुल्टी यूज़ करते थे पानी पुनी निकालने के लिए, ये कुछ हिसाब किताब यूज़ करते थे, ये बाकी बोतलें बोतलें हैं चीज़ें भरने के लिए, अरे कपड़े सुखाए जा रहे हैं, तो इधर ही धोते थे, इधर ही सब कुछ करते थे, ये शायद गन्ने का रस निकालने वाली मशीन होगी इनके पास। पता नहीं क्या था। बाकी इधर है जी आरियां वगैरह, ये भी काटते थे ना, रिप सॉ। ये बात है, तो बाथ टब ही समझो इसको, मतलब नहाने नहाने के लिए, और वो सामने शीशा है, मतलब पुराने टाइम से इनका काम चलता आ रहा है। अपन लोग सही लग रहे हैं ना। हेलो